प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आर मिनी व्लॉग्स। सो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि इस सुंदर शहर को एक्सप्लोर करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। हमने सबसे पहले बोट की सवारी करी और इत्मीनान से शहर को निहारा। अब बारी आती है एक्सप्लोर करने की सिटी को बाईसाइकिल पर। एम्स्टर्डम सिटी अपने साइकिलिंग कल्चर की यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है। साइकिलिंग इज़ मोर देन जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेयर। ये इस शहर की गलियों के ताने बाने में बुन सा गया है। ये यहाँ के लोगों का वे ऑफ लाइफ है। विद डेडिकेटेड बाइक लेन्स एंड अ बाइक फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नो वंडर दिस सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज अ साइकिलिस्ट पैराडाइज। सो फाइनली हमने भी साइकिल रेंट पे ले ली। पहले तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ टू फॉलो रूल्स, क्योंकि साइकिल चलाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप मेन स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो आपको रूल्स और सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देयर आर कपल ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो विच इज़ वैलिड एवरीवेयर। स्टे इन डेजिग्नेटेड बाइक लेन्स, ओबे ट्रैफिक सिग्नल एंड साइंस। हैंड साइंस हैं थोड़े बहुत फॉलो करने के लिए, और हाँ, अपनी टिंग टिंग घंटी बेल तो है ही। Although it might seem a bit chaotic at first, but it's all about that unspoken dance of communication between all the cyclists that were on the road. Hand signals, eye contact, that's the key actually. मेन स्ट्रीट पर तो खुद बाइक चलाते हुए खुद को शूट नहीं कर पाए, तो हमने सोचा थोड़ा खुलकर मज़ा लें, और उसके लिए हम लोग आ गए एम्स्टर्डम के वॉन्डल पार्क में। अगर आप कभी भी एम्स्टर्डम आएँ और आप साइकिल रेंट करें तो इस पार्क में आपको ज़रूरी आना है। अ ट्रिप टू एम्स्टर्डम वुडंट बी कम्प्लीट विदाउट अ विजिट टू दिस पार्क। चलिए आपको वापस लेकर चलते हैं इस लश ग्रीन पार्क में, जो कि है इस सिटी के बीचों बीच। इट ऑफर्स अ परफेक्ट एस्केप फ्रॉम द अर्बन हसल। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है टू फ्रीली साइकिल विदाउट एनी ट्रैफिक, खुली हवा में, घने पेड़ों की छांव में। बस बचपन की वो मिठास, वो सुहानी यादें, साइकिल पर घूमने की थी वो आकांक्षाएँ, पेड़ों के साए में घूमना और हवाओं का संगीत, साथी थी साइकिल, पैरों में उमंग और दिल में बचपन की ख्वाहिशें। चलो फिर से उस समय को याद करें, साइकिल की दीवानगी में खुद को खो जाएं, बचपन की वो मिठास, वो सुहानी यादें ताज़ा करें, जब साइकिल पर घूमते थे हम और सफ़र में थे बस खुशियों के रास्ते।